नमस्कार। लूट की घटना का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। उपखंड क्षेत्र के गांव कानपुरा में SBI ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ 7 दिन पहले हुई लूट की घटना का पुलिस द्वारा आज तक खुलासा नहीं किए जाने पर मंगलवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसीलदार अनिल कुमार को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर शीघ्र लूट की घटना का खुलासा करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 19 नवंबर को रात 9:20 पर बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने SBI ग्राहक सेवा केंद्र संचालक नंदूराम सैनी पर चाकू से वार कर 3,17,000 रुपए की नकदी लूट कर ले गए थे। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस थाना नारायणपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया था। लूट की घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस द्वारा घटना का खुलासा नहीं कर पाई, जिससे लोगों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस द्वारा जल्दी ही लूट की घटना का खुलासा नहीं किया गया तो समस्त ई मित्र संचालक और बैंकिंग क्षेत्र के ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों द्वारा कार्य बहिष्कार कर ग्रामीणों के साथ 28 नवंबर को पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर कानपुरा लोक सरपंच लोकेश रैया, रामकिशन बाजिया, शिवराम सैनी, छाजूराम सैनी, राकेश दायमा, दिनेश सैनी, मिठन लाल, मंगलराम, नाथूराम, दशरथ सिंह, कैलाश जाट, मनोहर सैनी, मुकेश मेणा, रोहिताज सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मैं दुकान पर बैठा काम कर रहा था, कैश निकाल के घर जा रहा था। जिस टाइम 2 आए बंदे, मुंह बांध रखे थे, आते मेरे सर पे मारा, सर पे फिर दोबारा मार के मैं बेहोश हो गया और मेरा कैश लेके चले गए। कितने रुपए का कैश था और कितने दिन की घटना हो गई? 3,17,000 का। कितने दिन हो गए घटना को? 19 तारीख की। पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई वगैरह आगे तुम बताओ था? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज यहाँ कार्यालय में पहुंचे, क्यों पहुंचे? ये ज्ञापन देने के लिए। ये 19 तारीख की घटना है, लूटपाट की मित्र पे। वहाँ SBI की BC ले रखा था तो वहाँ 3,17,000 रुपए लूट ले गए। और ये करीब शाम 9:30 की घटना है और 19 तारीख को थाने में हम 7 आके FIR दर्ज करवा दिए, लेकिन अभी उसका कुछ कार्रवाई आगे की नहीं हो पा रही है। यदि SED लाई रही तो 2 दिन बाद में बाजार बंद रहेगा, धरना दिया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा, आगे कार्रवाई नहीं हुई तो। पूरा मामला ये है कि इसके साथ 19 नवंबर यानी कि रात को 9:00 इसको चोट पहुंचा करके इसके 3,17,000 रुपए उन्होंने छीन के भग गए। अभी थोड़ी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से ग्रामवासी सभी इकट्ठे होकर के ज्ञापन दिया SDM साहब को। और पहले भी एक घटना हुई थी फरवरी के अंदर, घर से DJ की मशीन तोड़ करके निकाल ले गए थे। अभी थोड़ी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, नामजद रिपोर्ट दी हुई है थानेदार साहब को। ये पूरा मामला है आगे। अभी जैसे 7 दिन पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर पाई है, आगे की क्या स्टेप रहेगी आपकी? आगे की स्टेप ये रहेगी, अगर आज कुछ भी नहीं होता है, 7 दिन हो गए इसको दिए हुए, 2 दिन में 24 घंटे का टाइम दिया हुआ 28 तारीख तक का, अगर नहीं होता तो उग्र आंदोलन होगा, बाजारे बंद किए जाएंगे, सभी थाने का घेराव होगा, SP साहब के पास जाएंगे। पिछले 19 नवंबर को कानपुरा लॉज में जो एक हमारे साथी है भाई, जिसने मित्र दुकान कर रखी थी, इसके साथ एक लूटपाट की गई, 3,50,000 रुपए ले गए और उसके पे जानलेवा हमला किया। उसके अभी तक 7 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। उसके विरोध में आज सभी ग्रामवासियों ने हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और उनको अवगत कराया है कि 28 तारीख तक जब उन पर कार्रवाई हो, दोषियों पर गिरफ्तारी हो, और यदि उन पर गिरफ्तार नहीं होते, जन आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का लोकल प्रशासन होगा, इसलिए हमने आज तहसीलदार जो ज्ञापन दिया है। आज कानपुरा लॉज के ग्रामवासियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि ई मित्र संचालक के साथ एक घटना घटित हुई थी 19 नवंबर को रात्रि 9:20 पर। उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि पुलिस के द्वारा अनुसंधान सही और जल्दी किया जाए। इस विषय में हम इसको संबंधित अधिकारियों को, श्रीमान जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई हेतु ज्ञापन को प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।